किया है हमारी जनता को पब्लिक के बीच में इन्होंने जो भी किया मोदी सरकार ने आज लोगों को दिमाग में भ्रम पैदा करके और हम लोगों को गुमराह करके दिन पर दिन जो बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके खिलाफ हम लोग आज जो मुद्दा अपना उठाएं और हमारा मुद्दा कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसकी लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे जब तक मोदी सरकार हट नहीं जाते हैं और हमारी तमन्ना यही है कि मोदी सरकार ये महंगाई पे ब्रेक लगावे और लोगों को सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हमारी सरकार कैसे भी करके ये लड़ाई को हम लोग सफर करेंगे और सक्सेस करेंगे, यही हमारी तमन्ना। बंद के दारू पी रहा है, उनको समझ में आ जाए कि नहीं बंद है ना आज कमाने का जोर पड़ा है। डिझेलचे, पेट्रोलचे, घरगुती गॅसचे किमती वाढतच चाललेले आहेत, त्याचप्रमाणे डॉलरच्या तुलनेत आपला रुपयाची घसरण होत आहे। ह्या सगळ्या विषयामुळे नरेंद्र मोदीचं सरकार पूर्णपणे फेल ठरलेलं आहे आणि हे देशाला, एक विकसनशील देशाला एका गर्तेत ढकलत आहेत। त्याचप्रमाणे ह्या सगळ्या गोष्टीबरोबर सर्वसामान्य लोकांना फार मोठे हाल अपेष्ट सहन करावे लागत आहेत, महागाई वाढते, अच्छे दिन हा विषयच बाजूला राहिलेला आहे आणि हे करत असतानाच आज BJP आमदार सरळ सरळ स्टेजवरून मुलींना उचलून आणू अशी भाषा करायला लागलेले आहेत। म्हणजे हे काय आहे, इथे सत्याचं सरकार नाही, इथे आया बहिणींची सुरक्षेचा प्रश्न आज ऐरणीवर आलेला आहे। इतक्या गोष्टी असताना आज पुन्हा हे मोदी सरकार आणि त्यांचे भक्त लोक मानावर करून सांगतायत की आम्ही खूप चांगलं काम करतोय। म्हणजे नक्कीच आज लोकांना फसवायचे धंदे यांनी चालू केलेले आहेत आणि आज आम्ही हे जे आंदोलन चालू केलेलं आहे जोपर्यंत हे मोदी सरकार या सत्तेतून हटत नाही तोपर्यंत आमचं 4 साल हो गया। मोदी सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आए थे, आज 4 साल हो गया। गैस का भाव देखो बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, पेट्रोल का भाव देखो बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, डीजल का भाव देखो बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन, और हर तरह के अभी देखो घोटाले की बात करते थे, आज कितने हजार करोड़ का राफेल का घोटाला सामने आया है, मगर CAG जांच कराने की उनको कुछ पड़ी नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अराजकता है और भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 28 पार्टियों के साथ में पूरा भारत बंद करने का ऐलान किया था और सारी जनता आज रोड पे है, सारी जनता भुखमरी में है, सारे रोजगार आज नौजवान बेरोजगार है, आज उनको रोजगार नहीं है, लोगों को काम धंधा नहीं है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए लोगों के लिए कांग्रेस हमेशा रोड पे उतरी है और जनता के हित में कांग्रेस ने आज रोड पे उतर के अपना विरोध प्रदर्शन किया।